जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। तो जिनकी यहाँ संपदा की कमी होती है, वैभव की कमी होती है, लक्ष्मी की कमी होती है, प्रतिष्ठा की कमी होती है, धन की कमी होती है, उसके लिए गुड़, चावल, लाल फूल और लाल मिर्ची के 11 दाने पानी के कलश में, तांबे के लोटे में लेकर, हाथ को ऊंचा कर नेत्र नासिका वक्षस्थल के सम्मुख में जो सूर्य नारायण को अर्घ देता है, जल चढ़ाता है, पर जो सूर्य को अर्घ रविवार के दिन दे देता है, अगले रविवार तक पैसे की आवक आना प्रारंभ हो जाए। महापुराण की कथा कहती है, जब हम सूर्य को अर्घ देते हैं, सूर्य को जल चढ़ाते हैं, वो पानी जब पृथ्वी पर गिरता है, उसके छींटे हमारे शरीर पर लगते हैं, तो वो श्रेष्ठता का भाव निर्मित करते हैं, वो गलत नहीं हो सकती। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सब बोलिए एक बार जमकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रैक्टिकल जरूर करना, कहीं सीओर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा। शास्त्रों की बातें हमारे जीवन में हमें सुख प्रदान करे, इसलिए इस भाव का आनंद करते हुए आज की कथा को विराम देते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। अब एक बात सावधानी से सुनिएगा, शायद शिव महापुराण के माध्यम से अभी तक ये बात सामने नहीं आई, पर शिव पंचायत कथा में आ रही है। जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, और जितने इस छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर बैठकर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। एक प्रश्न हमारे भीतर खड़ा होता है, जब हम सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देते हैं, जल चढ़ाते हैं, तो वो जल पृथ्वी पर जब गिरता है, तो उसके छींटे हमारे शरीर पर लगते हैं, क्या वो ठीक है, क्या वो श्रेष्ठ है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, जब हम सूर्य को अर्घ देते हैं, सूर्य को जल चढ़ाते हैं, वो पानी जब पृथ्वी पर गिरता है, उसके छींटे हमारे शरीर पर लगते हैं, तो वो श्रेष्ठता का भाव निर्मित करते हैं, वो गलत नहीं हो सकता। कारण अब वो भी समझ लीजिए, अब सूर्य नारायण भगवान को आप जल चढ़ा रहे हो, तो छींटे नहीं लगे, उसके लिए क्या स्टूल पे चढ़ के चढ़ाओगे कि कुर्सी पे चढ़ के चढ़ाओगे? अरे बोलो तो सही। अब कई लोगों के दिमाग में यह बात भरा गई कि हम भगवान को जल चढ़ाते हैं, वो हमारे शरीर में छींटे लगते हैं, जमीन पे से पानी गिरता है, वो हमारे शरीर को छींटे लगते हैं, भगवान को अच्छा नहीं लगता होगा। कौन ने कहा? पहले तो उसको पकड़ के ला। क्योंकि मेरे राम जी महाराज, मेरे भगवान कृष्ण, बड़े बड़े संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक जितने भी हुए, जिन्होंने सूर्य की आराधना करी, इन्होंने टेबल पे चढ़कर या कुर्सी पे चढ़कर जल नहीं चढ़ाया, इन्होंने पृथ्वी पर खड़े होकर ही, क्योंकि पृथ्वी तत्व के देव हैं शिव। जब हम मृत्यु लोक पर खड़े होकर, पृथ्वी पर खड़े होकर, भगवान शंकर का भाग पृथ्वी तत्व को धारण कर जल को हाथ में लेकर जब समर्पित करते हैं, और जो जल नीचे गिरता है वो शरीर पर अगर लगता है, तो हमको उसका आशीर्वाद ही प्राप्त होता है, दोष नहीं लगता। पर लोगों ने इसको विपरीत कर दिया कि कौन ने विपरीत करा, कई लोगों ने इसको विपरीत कर दिया। कौन ने विपरीत करा? तो जो दूसरे धर्म के लोग होते हैं, जिनको हिंदू धर्म से नफरत होती है, और जो हिंदू धर्म की पूजन सेवा अर्चना को समाप्त करना चाहते हैं, वो धीरे 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 कहने लगे कि सूर्य को जल चढ़ाओगे तो शरीर में लगेगा तो दोष लगेगा। इसको कह कहकर घर घर में सूर्य को जल चढ़ाना लोगों ने बंद कर दिया कि आप जल चढ़ाएंगे तो दोष लगेगा, शरीर पे छींटा लगेगा, शरीर को ऐसा लगेगा। ये दोष नहीं है। कितनी सुंदर बात है महाराज, सूर्य नारायण भगवान को जब जल चढ़ाया जाता है, हाथ सिर से 8 इंच की दूरी पर होना चाहिए। जम के बोलिए, सिर से कितना ऊंचा होना चाहिए? 8 इंच ऊपर अपना हाथ होना चाहिए मस्तक से सूर्य को जल चढ़ाते समय। और ना चांदी का,
ना स्टील का, ना लोहे का, ना प्लास्टिक का, ना कांच का, ना सोने का कोई बर्तन, ना कांसे का, ना एल्युमिनियम का, ना पीतल का, केवल एक पात्र होना चाहिए, वो है तांबे का। काय का पात्र होना चाहिए? तांबे का पात्र। और सूर्य नारायण भगवान को जब 8 इंच ऊपर तुम्हारा हस्त है, और जब हम सूर्य को जल चढ़ा रहे हैं, कैसे जल चढ़ाना है वो भी समझ लीजिए। अगर कोई कैंसर का मरीज है, जिसके चेस्ट में कैंसर आ गया हो, लेफ्ट में राइट में कहीं पर कैंसर आ गया हो, या कोई गठान आ गई हो, तो महाराज आप जल चढ़ाते समय उस जल की धार को सूर्य भगवान को जब चढ़ा रहे हो, तो धार आपकी गठान की ओर जाना चाहिए, जिससे सूर्य की किरण उस जल में से आपके उस स्थान पर पड़े, उस जगह पर पड़े जहां पर गठान है। महाराज आप लगातार जल तो चढ़ाना चालू करो, अच्छे अच्छे डॉक्टर फेल हो जाएंगे और कह देंगे गठन ठीक हो, आपका लीवर और किडनी गड़बड़ कर रहा है, आप प्रतिदिन आपका स्वास्थ्य गड़बड़ रहता है, आप प्रतिदिन ये ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत, रत्न शास्त्र के अंतर्गत, ये रत्न शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, रंग शास्त्र जो हमारे यहाँ है, रंगों के हिसाब से ये जितने रत्न होते हैं, माणिक हुआ, सोने मोती हुआ, नीलम हुआ, मूंगा हुआ, पुखराज हुआ, ये क्यों कहते हैं ये पीला है, ये सफेद है, ये नीला है, ये लाल है, इसको शरीर में क्यों पहनाते हैं? उसका कारण होता है कि जब शरीर में पहनते हैं, सूर्य की किरण उसमें पड़ती है, हमारे शरीर पर वो कलर का इफेक्ट पड़ता है, उस कलर को शरीर पर लगता है, और शरीर पर लगता है तो हमारा शरीर धीरे धीरे, हमारी जो इंद्रियां हैं वो सही होने लगती हैं, काम सही होने लगता है। तो आप कहते हो ना सब, मैं कौन सा नक पहनूं, मैं कौन सा मोती पहनूं, मैं कौन सा पुखराज पहनूं, मैं कौन सा नीलम पहनूं, वो ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत, रत्न शास्त्र के अंतर्गत जितने रत्न हम पहनते हैं, ये केवल उस किरण के लिए ही तो पहनते हैं कि जो सूर्य की किरण मिले, उस किरण का प्रभाव हमारे शरीर पर पड़े। तो इन सबसे अच्छा है कि सुबह शंकर भगवान का नाम लो, तांबा का लोटा में जल भरो, 8 इंच ऊपर। It all started from here. सिर से हाथ होना चाहिए, और सूर्य नारायण भगवान का दर्शन साधारण नहीं, जो जल तुम चढ़ा रहे हो, वो जल की जो धार आ रही है उसमें सूर्य का दर्शन होना चाहिए, तो कैंसर की बीमारी कभी नहीं हो सकती। लीवर, किडनी, हार्ट, आपके हार्ट में अगर तकलीफ है, डॉक्टर ने कह दिया कि इसमें नस चोक है, आपको कहीं ना कहीं छल्ला डलेगा, आपको कह दिया इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आप सूर्य को अर्घ देना चालू कर दो, सूर्य को जल चढ़ाना चालू कर दीजिए। आप सूर्य को जल चढ़ाओ, वो जल की जो तरंग आ रही है, वो जल जो निकल कर जा रहा है, उसकी जो किरण आपके हृदय पर, आपकी छाती पर पड़ रही है, नाड़ियों में पड़ रही है, नसों में पड़ रही है, उसका बल देखो तो सही। 1 महीना लगातार चढ़ाओ तो, 15 दिन 20 दिन कर तो देखो। क्यों राम जी महाराज जल चढ़ाते थे, क्यों भगवान कृष्ण जल चढ़ाते थे सूर्य को, क्यों दशरथ जी महाराज जल चढ़ाते थे, क्यों कश्यप ऋषि जल चढ़ाते थे सूर्य को, सारे 33 कोटि देवता, सारे ऋषिवर, साधु संत सन्यासी तपस्वी साधक उपासक सब भगवान सूर्य को अर्घ दिया करते थे, क्यों देते, किस लिए? सूर्य नारायण भगवान को जल चढ़ाते समय आपके पंजों की एड़ी ऊंची नहीं होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। आपका पंजा पांव का पूरा की पूरा जमा होना चाहिए भूमि पर, हाथ कितने इंच ऊपर, 8 इंच ऊपर होना चाहिए। जल जो गिरे, सूर्य की किरण, सूर्य का दर्शन उस जल की रोशनी में करना चाहिए। क्या होगा उससे, जिस बच्चे को आंख में चश्मा लगा हो, मोटे से मोटा चश्मा लगा हो, छूट नहीं रहा हो, तो थोड़े दिन उसको सूर्य का अर्घ चढ़वाना चालू कर दो, और जल में से सूर्य का दर्शन कराना चालू कर दो, सूर्य का दर्शन जल में से।
दो महीना ढाई महीना बहुत है, आंख की रोशनी बढ़ जाएगी, चश्मा हट जाएगा। आप कर देखिए। अब एक प्रश्न और खड़ा होता सूर्य को अर्घ देने। गुरु जी पंचदेव पंचायत में, सूर्य नारायण भगवान शंकर की पंचायत में हैं। सूर्य नारायण को हम फ्लैट में रहते हैं, हम फ्लैट के अंदर रहते हैं, तो हम फ्लैट में रहते हैं, हमारे यहाँ अगर छज्जा नहीं है, हमारे यहाँ जगह नहीं है, तो हम सूर्य को अर्घ कैसे दें? तो महाराज खिड़की तो होगी, अगर घर में फ्लैट में पानी ढुलेगा और आप लोग नहीं समेट सकते तो एक बाल्टी रख लो, एक पात्र रख लो, पर सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देकर रोशनी शरीर पर पड़ना चाहिए। जिंदगी में कभी कोई बड़ी बीमारी नहीं आ सकती। कितने लोग देते हैं सूर्य को अर्घ, जरा हाथ उठाओ। बहुत बढ़िया, बहुत जोरदार। पुरुष लोग भी देते हैं ना, चाहे बच्चे से बच्चा, बच्चों के हाथ में भी एक लोटा पानी पकड़ाओ। घर में छोटे बच्चे हो ना, उनको तांबे का लोटा दो, पानी दो, जा बाहर खड़े हो जा, एक लोटा पानी चढ़ा के। पहले दिन आप स्वयं बच्चे के साथ बाहर खड़ी हो, ओटले पर, घर के बाहर खड़ी हो, छत पे खड़ी हो या घर के बाहर खड़ी हो, और बच्चे से कह लो चढ़ाओ बेटा, देखो ऐसा हाथ 8 इंच ऊपर करिए, तांबे का लोटा लेकर पानी धीरे धीरे डोलना है। जैसे वो स्लो मोशन के सीन नहीं होते नाटक में, ये एकदम धीरे धीरे, बस नहीं तो मालूम पड़े छोरा छोरी एक साथ उंडेल के। नहीं, जल चढ़ाते समय उस पानी में से सूर्य की किरण पड़ना चाहिए, सूर्य की। एक बात और कहना चाहूंगा, अगर आप लोग स्वीकार करेंगे तो, अगर कहीं आपको लगता हो कि बच्चा पढ़ने में कमजोर है, विद्या में कमजोर है, रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा, पढ़ने में कमजोर है, वो पढ़े अपनी जगह।